हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के सीजन में अक्सर बच्चों को या बड़ों को, सबको हो जाती है घमौरिया। तो जब भी घमौरिया हो जाती है या तो रेडनेस की हो जाती है, उसकी वजह से हमें दाने पड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं तो हम उन पर कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इफेक्टिव आपको बताऊँगी, जो हम मैं पर्सनली अपनी बेबी पे, मेरी बेबी पे बहुत ज़्यादा घमौरिया हो गई थी और मेरे को भी हो गई थी, थोड़ा बहुत हो जाता है सबको। तो मैंने क्या यूज किया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही जल्द ही रिजल्ट मिला था। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यूज किया था नॉर्मल नवरत्न, ये फूल वाला पाउडर। तो गाइस, ये तो आप सबके घर में गर्मियों में होता ही है, तो कोई सा भी ठंडा पाउडर हो जो आप यूज करते हो तो आप उसको ले लो। बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको उसको लेना है और आपको एक बाउल में, छोटे से बाउल में पानी लेना है थोड़ा सा, और इसको मिक्स करना है, ठीक है? दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो आपको जिस जगह पे घमौरिया दाने कुछ भी हो, आपको वहाँ पे अच्छे से इसको अप्लाई करके लगाना है। और जैसे ही आप लगाओगे ना, बहुत ही ठंडा ठंडा सा आपको फील होगा। ऑब्वियसली ठंडा पाउडर तो आपको ठंडा ही फील होगा, बट इस तरीके से लगाने का रीज़न ये है कि एक तो पाउडर थोड़ी देर तक वहाँ पर टिकेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, और साथ ही काफ़ी देर रुकने की वजह से घमौरिया हमारे जल्दी जाएंगी, हमारे जो दाने पड़े होंगे वो उसमें रेडनेस वगैरह हो गई होगी, उसमें हमें जल्दी रिलैक्स होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और अब 2 से 3 दिनों तक करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था। बहुत ही जल्दी अगर आपके फेस में कहीं दाने हो गए तो वहाँ पे आप ऐसे घोल के ऐसे टिप टिप करके रख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आप बस रात में सोने से पहले आपको बस घोल के ऐसे टिप टिप करके लगा लेना, अगर आपके फेस में, अदरवाइज बॉडी में कहीं पर, वहाँ पर आप इसको लगा लो। और अगर गाइस बहुत ज़्यादा घमौरिया है और बिल्कुल जा ही नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों खासकर साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनको इस तरीके से नहीं लगा सकते ना, तो आप बच्चों के लिए क्या ले सकते हो, ये कैंडिड पाउडर। ये मैंने अपने बेबी को लगाया, इतनी घमौरिया थी, मैं गाइस आपको यहाँ पर कैसे बताऊँ, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और मेरे पास कोई भी पिक्चर भी नहीं है उसकी, क्योंकि अभी मैंने क्लिक नहीं करी थी, क्योंकि मेरा चैनल अभी उसके बाद ही मैंने शुरू किया है, तो मुझे क्लिक करके रखना चाहिए था, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, यूट्यूब पर आके बोलूँगी। बट मैं आपको ट्रस्ट में, सच में बता रही हूँ कि मेरे बेबी के फेस में, पूरे फेस में बहुत ज़्यादा, उसके नेक में, उसके पूरे पेट में, बॉडी में, मतलब बहुत ज़्यादा घमौरिया हो गई थी। तो हम लोग परेशान हो गए। अब उसको तो इतना ठंडा पाउडर पानी में डाल के मिक्स करके नहीं लगा सकते, बड़े हैं तो लगा सकते हैं, बट फिर उसको थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल पाउडर लगाते रहे। इसके बाद फिर मैंने ये कैंडिड पाउडर मंगाया, देख सकते हो, इसको लगाने के बाद जा रही हूँ 2 दिन में ही गाइज इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ। और 2 दिन में मेरे बेबी की घमौरिया बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब तो बिल्कुल फिनिश, उसका फेस वैसे नॉर्मल हो गई, उसकी बॉडी वैसे नॉर्मल हो गई। तो फ्रेंड्स, आप जरूर यूज करो और मुझे बताइएगा कि आपने यूज किया या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।